सिंहवन पुलिस थाना अंतर्गत एक लूटपाट का मामला उजागर हुआ है, जहां रास्ते से गुजर रहे राहगीर को अज्ञात अपराधियों ने सहायता के बहाने लूट लिया, जिसके बाद फिरियादी की शिकायत के संज्ञान पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कल रात 9 बजे के दौरान फिरियादी सचिन चौधरी काटोल से अपने निजी निवास स्थान चिटनेस नगर जा रहा था। इसी बीच सचिन की गाड़ी 7 स्टार अस्पताल के सामने स्लिप हो गई। इस क्षतिग्रस्त अवस्था को देखते हुए फिरियादी ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन बोलते हैं ना कि गीदड़ कहीं न कहीं से अपना चारा ढूंढ लेता है। इस प्रकार से कुछ युवकों ने सचिन की मदद तो की, लेकिन सहायता के बाद अपराधियों ने फिरियादी से मोबाइल और पैसे छीन लिए। कड़ी मशक्कत के बाद भी फिरियादी मोबाइल और पैसे बचा नहीं पाया, जिस दौरान सुबह ही सचिन नंदनवन पुलिस थाना पहुंचा और अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद सचिन द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र नायकवाड़ ने। रात को जिसमें का फिरियादी सचिन चौधरी जो काटोल से आया था, वो रहने वाला है चिटनविश नगर का, और घर जाते समय वो जगनानी चौक 7 स्टार हॉस्पिटल जो है वहाँ से टर्निंग पे उसकी गाड़ी स्लिप होके वो गिर गया, टू व्हीलर। गिरने के बाद में वहाँ पे आसपास रात का समय था, तो कोई 2-3 लड़के आए उसकी हेल्प कर रहे, ऐसा उसे लगा। उन लोगों ने उसको उठाया, साइड में बिठाया और बाद में घर छोड़ देते ऐसा बोल के उसको खड़े करने के बाद गाड़ी पे बिठाया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो ये सतर्क हो गया थोड़ा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, रात का समय है और इतने रात में क्या गड़बड़ कर दी। तो उन्होंने उसको मारना भी चालू किया, मारना पीटना किया और उसके पास के कुछ पैसे और मोबाइल छीन लिया, और उसको मार लगने की वजह से और वो बाद में घर चला गया अकेला। तो जब दूसरे दिन बहुत लेट आया वो पुलिस स्टेशन, आने के बाद में जैसे उसने घटना बताई, हमारा डीपी स्टाफ सक्रिय कर दिया गया और उसने जो जो हुलिया बताया उस हिसाब से आरोपी की शिनाख्त की गई और तुरंत ही हमने पहले FIR रजिस्टर करवा ली और आरोपी को ढूंढना चालू किया और आरोपी मिल गए और फिरियादी ने उनको पहचान लिया है। तीनों आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं नंदनवन पुलिस स्टेशन के, और अभी अरेस्ट होने की वजह से वो PCR और बाकी की कार्यवाही चालू है। तो बेसिकली अभी तो तपास इसका पूरा होना बाकी है, प्राइमरी ऐसा बोल सकते हैं कि ये मौके पे चांस लेना, मतलब मिल गया है जख्मी और उसके अभी पैसे मिल सकते हैं या मोबाइल मिल सकता है, और आजकल के बच्चों को खर्चा पानी के लिए पैसे लगते, तो ये रिकॉर्ड इनका अभी चेक करना चालू है। पूर्व गुनहगार को नंदनवन में नहीं है ये, लेकिन हो सकता है उनका कोई रिकॉर्ड होगा, उस हिसाब से हमारा तपास आगे बढ़ेगा। नाम तो यहाँ नहीं मैं बताऊंगा, एक टिंकी का रहने वाला है, एक हसनबाग का है और एक शास्त्री नगर झोपड़पट्टी का रहने वाला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।